इस समय धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद चर्चा में बने हुए हैं। चुनाव भी चल रहे हैं। बात चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की हो या फिर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद की बात की जाए, इन्हीं विवादों की चर्चा के बीच धार का खोजशाला विवाद भी चर्चा में आया हुआ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ASI को खोजशाला मंदिर के परिसर का वैज्ञानिक सर्वे करने का आदेश दे रखा है और इसके बाद ये सर्वे नियमित रूप से लगातार चल रहा है। इसे शुरू हुए 50 से भी ज्यादा दिन का वक्त बीत चुका है। आपको बताएं कि खोजशाला जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, जिसे मुस्लिम पक्ष जो है वो कमाल मौलाना मस्जिद कहता आया है, लेकिन हिंदू पक्ष का ये दावा है कि यहाँ पहले वाग देवी यानी कि माता सरस्वती का मंदिर हुआ करता था और इसी विवाद को सुलझाने के लिए ये मामला जो है ये कोर्ट में पहुँचा हुआ है। लेकिन इस पूरे विवाद को समझने के लिए भूतशाला का इतिहास क्या कुछ रहा है इस पर भी गौर करना जरूरी है, इसे जानना जरूरी है। दरअसल भूतशाला जो है ये केंद्र सरकार के अधीन ASI का एक संरक्षित स्मारक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे लेकर अप्रैल 2023 में एक आदेश जारी किया और माफ कीजिएगा 2003 में यह आदेश जारी हुआ था और इसके अनुसार हिंदुओं को हर मंगलवार को भोजशाला परिसर के अंदर पूजा करने की अनुमति दी गई, जबकि मुस्लिमों को हर शुक्रवार को नमाज अदा करने की इजाजत भी मिली हुई है। परिसर के हक को लेकर धार्मिक संगठनों में मतभेद भी होता रहा है। हिंदू संगठन ये चाहता है कि इस साइट का नाम ही बदल दिया जाए, सरस्वती सदन इसे कर दिया जाए। धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर अगर नजर डाली जाए तो उसके मुताबिक भोजशाला मंदिर को राजा भोज ने बनवाया था। राजा भोज परमार वंश के सबसे महान राजा थे जिन्होंने 1000 से 1055 ईस्वी तक राज किया। इस दौरान उन्होंने साल 1034 में एक महाविद्यालय की स्थापना की जिसे बाद में भोजशाला नाम से जाना गया। कहते हैं कि यहाँ दूर दूर से छात्र पढ़ने आया करते थे। इसी कॉलेज में देवी सरस्वती माँ वाग देवी का मंदिर था जिसके बारे में अब सर्वे किया जा रहा है और ये भी बताया जाता है कि 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से इस जगह की शक्ल बदलती चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1401 ईस्वी में दिलवार खान गौरी ने भोजशाला के एक हिस्से में और 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी ने दूसरे हिस्से में मस्जिद बनवाई। 19वीं शताब्दी में एक बार फिर से इस जगह एक बड़ी घटना हुई। उस समय खुदाई के दौरान सरस्वती देवी की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई, लेकिन बताया ये गया कि उस प्रतिमा को अंग्रेज अपने साथ ले गए और फिलहाल वो प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है। प्रतिमा को भारत वापस लाए जाने की मांग भी लगातार की जाती रही है। माँ वाग देवी की प्रतिमा ये कहलाती है। वैसे हाल ही में MP के आखिरी चरण में हुए लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जब पीएम मोदी धार आए थे तो उन्होंने भी अपने भाषण में भोजशाला का जिक्र किया था खास तौर पर और कहा था कि भोजशाला बाकी गुफाएं मांडू का जहाज महल जैसी जगहों पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा जिसमें भोजशाला बड़ा अहम हो जाता है। वैसे आपको बताएं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भोपाल सर्किल की एक रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि मस्जिद के ढांचे में मूल सरस्वती मंदिर की संरचना के प्रमाण मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद हैं। उधर दूसरी तरफ धार जिले की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह कहा गया कि विवादित स्थल में ऐसी टाइल्स मिली हैं जिसमें संस्कृत और प्राकृत भाषा की साहित्यिक रचनाएं गढ़ी गई थी और इन शिलालेखों में जो अक्षर दिखाई देते हैं वो 11वीं-12वीं शताब्दी के वक्त के हैं। परिसर में ऐसी बातें भी लिखी पाई गईं जो हिंदू संगठन के दावे को मजबूत करती नजर आती है। आइए हमारे सहयोगी मिथिलेश से समझते हैं कि इस मामले में कोर्ट में अभी तक कब कब क्या क्या हुआ है। जी मिथिलेश। पुनीत, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा धार भोजशाला से जुड़े हुए मामले में कोर्ट में कब क्या कुछ हुआ, कब याचिका लगाई गई, कब सुनवाई हुई, कब इसमें बहस हुई, कब फैसला लिया गया और कब इस पर पुनर्विचार किया गया था कि ASI सर्वे करवाना चाहिए। मई 2022 में सबसे पहले हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस जन उद्घोष सेवा संस्थान, ये दो अलग अलग सोसाइटी है और दोनों के द्वारा अलग अलग एक याचिका लगाई गई थी। उसमें बकायदा ये मांग की गई थी धार भोजशाला की GPS और GPR सहित ये जो दो तकनीक है इन तकनीक के आधार पर उसका वापिस से ASI सर्वे कराना चाहिए 2022 मई। उसके बाद 7 सरकारी विभाग और 2 अलग सोसाइटी
तो कौन से सोसाइटी? महाराजा भोज सेवा संस्थान और दूसरा कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी। इन 9 लोगों को नोटिस कोर्ट की तरफ से भेजा जाता है। सभी लोग उपस्थित होते हैं, सभी लोग अपना रिप्लाई देते हैं। इस पूरे मामले में अक्टूबर 2023 में हिंदू पक्ष की तरफ से पूरा मामला रखा जाता है कोर्ट के समक्ष, यानी हिंदू जो पक्ष है उन्होंने धार भोजशाला से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज, तमाम प्रमाण, साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए। 19 फरवरी 2024 को इस पूरे मामले में बहस होती है, कई घंटे तक ये बहस चलती रहती है और कोर्ट ने पूरे मामले को सुनते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद 11 मार्च 2024 को डबल बेंच हाई कोर्ट फैसला लेती है, यानी फैसला सुनाती है कि धार भोजशाला का एएसआई सर्वे कराया जाएगा 11 मार्च 2024। इसके कुछ ही दिन बाद, लगभग 6 से 7 दिन के बाद में मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी जाती है कि हमें इस पूरे मामले में अग्रिम सुनवाई करनी है। जो सर्वे की दिनांक दी गई है 22 तारीख, जो सर्वे की दिनांक दी गई है 22 मार्च, वो 22 मार्च को रोका जाए, अभी सर्वे नहीं करवाना चाहिए। उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट कहती है इस पूरे मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होनी है, अग्रिम जो तारीख है वो तारीख नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद 22 तारीख से ये सर्वे शुरू होता है और लगभग 6 हफ्ते का कोर्ट की तरफ से समय दिया गया था कि 6 हफ्ते में एएसआई पूरा सर्वे करे और सर्वे रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करे। अब इस पूरे मामले में 29 अप्रैल को वापिस एएसआई जो है वो कोर्ट पहुंचती है और वहां ये कहती है कि इसमें हमें 8 हफ्ते का और समय देना चाहिए, 8 हफ्ते और लगेंगे धार भोजशाला के सर्वे में। यानी 29 तारीख को फिर से समय दे दिया जाता है इंदौर हाई कोर्ट द्वारा कि 8 हफ्ते का समय आपको और दिया जाता है धार भोजशाला के सर्वे के लिए। उसका भी लिखित में विरोध मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया जाता है लेकिन वो स्वीकार नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, एसएलपी लगाई जाती है। इस बीच में कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से मुस्लिम पक्ष से कोई एक वंशज भी सामने आते हैं, उनके द्वारा एक एसएलपी भी लगाई जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को खारिज कर देती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था ये पूरा मामला मई 2022 से जुड़ा हुआ है, ये 2024 चल रहा है, 2 सालों तक आप कहां थे। याचिका जो है मई 2022 में लगाई गई थी, उसके बाद 7 सरकारी विभाग को और 2 अलग अलग हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों लोगों को बकायदा नोटिस भेजा गया था, सभी को समय दिया गया था कि सभी लोग कोर्ट के समक्ष आए और अपने जो दस्तावेज है, जो अपनी बात है, वो यहाँ सामने रख सकते हैं। और चलिए अब धार चलते हैं जहाँ हमारे सहयोगी नवीन हैं और उनसे ये जानते हैं कि अब तक एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से जो सर्वे किया गया है, जो लगातार जारी है, उसमें अभी तक क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आ चुकी हैं, क्या कुछ खुदाई हुई है, कितने मजदूर इसमें लगे और क्या क्या चीजें खुदाई में निकल कर आई हैं। जी पुनीत, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भोजशाला का सर्वे जो है इंदौर हाईकोर्ट के आदेश पर लगातार जारी है। 22 मार्च से ये सर्वे जो है लगातार किया जा रहा है और आज जो है सर्वे का 57वां दिन था और 57वें दिन का सर्वे जो ये पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार इस सर्वे में कुल 57 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं 22 मार्च से ये जब से सर्वे शुरू हुआ है तब से लगातार सर्वे जारी है, एक भी दिन सर्वे का काम रुका नहीं है। सर्वे में जो है एएसआई की टीम के अधिकारी, हिंदू मुस्लिम पक्षकार व मजदूर भी शामिल होते हैं और सभी मिलकर जो है ये इस पूरे सर्वे को अंजाम दे रहे हैं। सर्वे के तहत यहाँ अब तक कई प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आई है। हम आपको बताना चाहेंगे कि भोजशाला के अंदर और बाहर 50 मीटर की दूरी पर यह पूरा सर्वे किया जा रहा है और सर्वे के तहत जो है यहाँ पर उत्खनन का कार्य भी हो रहा है, साथ ही मिट्टी हटाने का कार्य भी हो रहा है, मेजरमेंट का काम भी यहाँ पर किया गया है, मैपिंग भी यहाँ पर की गई है। इसके साथ ही जो है अन्य कई प्रकार के कार्य यहाँ किए गए हैं, क्लीनिंग के कार्य यहाँ हुए हैं, ब्रशिंग यहाँ हुई है और सबसे ख़ास बात यह है कि सभी कार्यों की जो है इसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी की जा रही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि सर्वे के तहत जो है यहाँ अब तक कई प्रकार के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं, करीब 400 अवशेष जो है वो बड़े यहाँ से प्राप्त हुए हैं और करीब 1000 के आसपास छोटे मोटे अवशेष जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो कुल मिला के यह है कि भोजशाला के पीछे और साइड में जो है जहाँ उत्खनन का कार्य जारी है वहाँ से सीढ़ियाँ भी यहाँ मिली थी और इसके साथ ही यहाँ दीवारें भी यहाँ से मिली है और भोजशाला के बाहरी और दीवार से गोमुख भी यहाँ से मिला है। इसके साथ ही यदि हम बात करेंगे शिलालेखों की तो शिलालेख भी यहाँ से मिले हैं जिनमें उर्दू, अरबी और फारसी भाषा से कुछ लिखा हुआ था। इस प्रकार से शिलालेख सहित कई प्रकार के जो धातु के अवशेष जो है यहाँ से मिले हैं, सिक्के भी मिले हैं
और इस प्रकार से जो है यहाँ से एक तलवार भी प्राप्त हुई थी कल, करीब 7 फीट की गहराई से जो है ये तलवार जो है प्राप्त हुई थी, जिसे भी ASI की टीम ने जो है संभाल कर रखा है और उसकी भी जांच की जा रही है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह पूरे सर्वे जो है 57 दिन से लगातार जारी है और 57वें दिन का सर्वे भी पूर्ण हो चुका है। तो सर्वे के तहत अब तक यहाँ ये चीज़ें सारी निकल कर सामने आई है, हमने आपको बताया है। वहीं हम आपको बताना चाहेंगे कि मंगलवार के दिन जो है यहाँ पर सुबह के 10 बजे के आसपास में जो है हनुमान चालीसा का पाठ होता है। मंगलवार के दिन हिंदू श्रद्धालुओं के लिए गौशाला खुली रहती है, वहीं इसके साथ ही जो है सर्वे भी चालू रहता है। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि शुक्रवार के दिन जो है दोपहर के समय 1 से 3 बजे तक मुस्लिम समाज के लोगों के लिए यहाँ पर नमाज के लिए गौशाला खुली रहती है और शुक्रवार के दिन मुस्लिम समाज के लोग यहाँ आकर बड़ी संख्या में नमाज पढ़ते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो है ASI की टीम जो है सर्वे भी जारी रखती है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी तक जो है जब से ये सर्वे शुरू हुआ है 22 मार्च से, तब से लेकर अभी तक ये सर्वे लगातार जारी है और यहाँ पर कई प्रकार के अवशेष जो है वो निकल कर सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से भी गौशाला सहित पूरे धार शहर पे चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि कोई भी अनहोनी घटना ना हो पाए। सबसे खास बात यह है कि आज शुक्रवार था और शुक्रवार के दिन आज जो है मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ पे नमाज पढ़ी है और नमाज के बाद में जो है सर्वे को लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। मुस्लिम समाज का कहना है कि सर्वे जो चल रहा है उसके तहत गौशाला में खुदाई की जा रही है, जबकि खुदाई पर कोर्ट ने जो है यहाँ पर रोक लगाई हुई है। कोर्ट ने कहा है कि ये खुदाई इस प्रकार से होना चाहिए कि मोन्यूमेंट पे किसी भी प्रकार की क्षति ना हो। और मुस्लिम समाज ने आरोप लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर खुदाई चल रही है जिसे रोका जाए। शासन प्रशासन से उन लोगों ने मांग की है और यदि ऐसा नहीं होता है तो उन्होंने अगले शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर गौशाला आने की बात कही है, क्योंकि शुक्रवार के दिन गौशाला में मुस्लिम समाज के लोग आते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो अगले शुक्रवार के दिन मुस्लिम समाज जो है काली पट्टी पहनकर गौशाला में आएगा और इस प्रकार से अपना विरोध दर्ज करवाएगा। जी, तो कुल मिलाकर अभी भी ASI का यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सर्वे लगातार चल रहा है और इस सर्वे के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसे कोर्ट में सौंपा जाना है और इस रिपोर्ट के आने के बाद ही कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा।